क्लास 12 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को आव्यूह यानी मैट्रिक्स के बारे में कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ और कैसे करना है इसको। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से ही थोड़े से इम्पोर्टेंट रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको जानना जरूरी होता है। जो चीज़ें बीच में आती हैं वो नहीं जान पाते हैं बच्चे, जैसे यहाँ पर आर्थर केले और हाइजेनबर्ग का नाम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि तो हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ये तो देखते हैं क्या है। इस अध्याय में हम आव्यूहों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये विज्ञान व यंत्र शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रमुख औजार है। आधुनिक गणित में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश गणितज्ञ कौन है? आर्थर केले, इसका नाम मैंने लिया था, ने सर्वप्रथम आव्यूह की अवधारणा प्रस्तुत की। ध्यान रखना सबसे पहले नाम जो आता है आर्थर केले का ही आता है, मतलब शुरुआत इसने मैट्रिक्स की थी। आर्थर केले का नाम याद रखेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा पूछते हैं, इसलिए बच्चों ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। अवधारणा प्रस्तुत की। बाद में महान भौतिक शास्त्री हाइजनबर्ग, जो कि वेव थ्योरी में आते हैं अधिकतर, हाइजनबर्ग ने अपने प्रसिद्ध क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम थ्योरी जो है की व्याख्या करने के लिए आव्यूहों का औजारों के रूप में प्रयोग किया, और तब संसार ने आव्यूहों की प्रयोग की आवश्यकता को समझा। इनका प्रारंभ सूचनाओं को एकत्रित करने के साधन के रूप में हुआ। आज इनकी उपयोगिता गणित में ही नहीं अपितु अन्य विषयों में जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, रेखीय कार्य योजना, प्रायिकता सिद्धांत, ग्राफ सिद्धांत, सांख्यिकी तथा जनसंख्या गतिकी इत्यादि में भी व्यापक रूप से निहित है। तो बच्चों ध्यान रखना कई जगह इसका इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें अदिश राशियां किसको कहा जा रहा है। अदिश राशियां वैसे हम लोगों को सबको पता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। वे राशियां जो योग, व्यवकलन, गुणन एवं विभाजन के बीज गणितीय नियमों का पालन करती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। ये राशियां वास्तविक भी हो सकती हैं तथा सम्मिश्र भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए दे रहे, जैसे दो हमारी वास्तविक संख्या, तीन भी वास्तविक संख्या, लेकिन 3i काल्पनिक संख्या हो गया। 2 + 3i ये सम्मिश्र संख्या हो गया। √3 जो है ये क्या है? अपरिमेय संख्या हो गया। और ये 3 cos x है, ये आपकी अपरिमेय संख्या में आती है, और 3 7 sin x ये भी आपकी स्केलर में ही आती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए स्केलर में कौन कौन सी राशियां आती हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये है इसमें पंक्ति यानी रो किसको कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, एक तो हम बॉक्स के रूप में लिखते हैं इसको, बड़े ब्रैकेट के रूप में। तो रो में क्या आते हैं? क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं उनको पंक्तियां कहते हैं। स्तंभ क्या होते हैं? कॉलम क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं, और रचना यानी एरी बोलते हैं। राशियों का वह समूह जो कुछ पंक्तियों व स्तंभों में व्यवस्थित होता है, रचना या एरी का निर्माण करता है। तो देखो बच्चों क्या है, जैसे कि यहाँ पहले मैं पंक्ति लिख करके दिखा रहा हूँ, जैसे 3 4 5 ये पंक्ति हो गई, 6 7 8 ये दूसरी पंक्ति हो गई, फिर 3 5 7 ये तीसरी पंक्ति हो गई, ये इधर की तरफ जो लिखी जा रही है ये पंक्ति हो गई। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये स्तंभ हो गया या कॉलम बोलते हैं इसको, और रचना ये पूरी की पूरी रचना हो गई है, और इसको बड़े ब्रैकेट में हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? मैट्रिक्स, या इसको हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। तो चलो बच्चों थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये अगला आ रहा है आव्यूह। देखो यही है मेन हमारे पास मैट्रिक्स। आव्यूह अदिश राशियों से निर्मित एक आयताकार रचना या वर्गाकार कह लो। यह रचना लघु कोष्टक यानी पैरेंथेसिस यानी कि ये छोटा वाला ब्रैकेट कह लो, दोहरे दंड में यानी डबल बार्स में, तो ये दिया हुआ है आपका डबल बार में दिखा है, अथवा दीर्घ कोष्ठक यानी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये जैसे लगाया हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये अंदर बंद होती हैं। यहाँ हम दीर्घ कोष्ठक यानी इस वाले का प्रयोग करेंगे, यानी कि इस बॉक्स का हम प्रयोग करते हैं मोस्टली। 1 2 3 हो गया, 2 4 6 जो भी हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स से पहले ये वाली गिनती है बच्चों, ध्यान रखना ऊपर से नीचे की तरफ गिनते हैं तो 2 हो गया, और फिर इधर गिनेंगे तो ये 3 हो गया, तो 2 × 3 की होगी मैट्रिक्स।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है ये, क्या है m इंटू एन आवयों की परिभाषा को बताना जरूरी है इसमें, यानी m इंटू एन मैट्रिक्स क्या होती है, बहुत जरूरी है बच्चों इसको जानना, यदि इसको समझ गए फिर आगे की चीजें इसमें और क्लियर हो पाती है। m इंटू एन राशियों का वह समूह है जो क्रमबद्ध m पंक्तियों तथा m स्तंभों से निर्मित एक आयताकार रचना के रूप में व्यवस्थित रहता है, m इंटू एन आवयों कहलाता है, इसे m बाई एन आवयों बोलकर पढ़ा जाता है, या m इंटू एन इस आवयों का क्रम यानी ऑर्डर कहलाता है, ध्यान रखना ऑर्डर की परिभाषा बहुत पूछते हैं और ऑर्डर भी पूछते हैं, तथा आवयों के आकार साइज को भी निर्धारित करता है, किस साइज का है तो हमेशा हम m इंटू एन ही बोलते हैं, किस ऑर्डर का है तो भी हम m इंटू एन की ही बात करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये यहाँ देखो दिखाया गया m into n आवयों का मानक निरूपण ही दिखाया है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना m की बात करते हैं, m में क्या है a 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 ये m तक जाएगा और ये 1 ही रहेगा, 2 में चले जाते हैं ये दूसरे कॉलम में, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, तो ये सीधे और ये दो कहलाती हैं सीधे जो ये दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ 1A 1 2 3 4 5 ये M तक लेके आया, लेकिन ये बाद में 2 2 2 रहेगा, हाँ देख सकते दूसरा कॉलम इसलिए, ऐसे ये 1 2 3 M तक जाएगा लेकिन तीसरा कॉलम है, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया और ये nth कॉलम हो गया, इस तरह करके हम लिख लेते हैं। इधर से रो आती है तो ये फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई और ये M रो हो गई, तो M और N यहाँ आ गया, तो M इंटू N, ध्यान रखना बच्चों M यहाँ से आएगा और N यहाँ से आता है, M into N कहलाती है, ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, M into N वाली होगी, यहाँ पे देखो दिखाया गया जहाँ I का मान जो है 1 2 3 4 5 कहाँ तक M तक गया और J का मान जो है 1 2 3 4 और N तक गया, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये मैट्रिक्स में AIG पढ़ते हैं, अभी हमको दिखाने के लिए बॉक्स में बनाते हैं, यानी कि ये बड़ा ब्रैकेट है आपका, इस तरह से आपका निरूपण दिखाना इस रूप में भी कर सकते हैं और इस रूप में भी आप दिखा सकते हैं डबल बार पीस करके। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे और थोड़ी परिभाषाओं को देख लेते हैं, क्या अवयव यानी एलिमेंट्स क्या है इसमें, तो जो A11 हो गया, A12 हो गया, AMN को जो है अवयव के A के क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं, यहाँ AIJ अथवा I वे पंक्ति और J वे स्तंभ के संधि यानी जंक्शन पर स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक m into n आवयों की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ m into n मैट्रिक्स, तो पहला है इसमें m पंक्तियां होती हैं मतलब रो होती हैं, सेकंड है इसमें n स्तंभ होते हैं मतलब कॉलम होते हैं, इसमें रो हो गई ये कॉलम हो गया, थर्ड है प्रत्येक पंक्ति में n क्रमबद्ध राशियां होती, यानी एक पंक्ति में n क्रमबद्ध राशियां होगी, ऐसे ये प्रत्येक स्तंभ में m क्रमबद्ध राशियां होती हैं और कुल इसमें कितने होते हैं m into n राशियां होती हैं, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संकेतन यानी नोटेशन कैसे करते हैं इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स या अवयव का नोटेशन कैसे करते हैं देखते हैं नोटेशन को, तो अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स जो होते हैं से सूचित किया जाता है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल पी, क्यू, आर, एस इत्यादि से होता है। अब आता है अवयव या तत्व या प्रविष्टि, तो क्या होगा राशियां इसमें लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एड्रेस, तो ये राशियां क्या है A11, A12, AIJ तक अवयव के अवयव या तत्व या प्रविष्टियां कहलाती हैं, ये द्वि अनुलग्न संकेतन यानी डबल सफिक्स नोटेशन में लिखी जाती है, हमेशा दो दो करके लिखी जाएगी, ए लिखा है तो आई भी रहेगा और जे भी, ये दोनों एक साथ आते हैं। अवयवों के प्रकार देख लो बच्चों, ये प्रकार भी बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, पहला है हमारे पास पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या है ये वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति अवयव कहलाता, मतलब ये पंक्ति होगी जैसे यहाँ 2 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 5 -7 8 और 12 दिखाई दे रहा है, तो ये 1 × 5 हो गई, 1 2 3 4 और 5 हो गए, पूरा 12 है ये, तो ये एक ही रो है और कॉलम कितने हैं 5 हैं, तो ये 1 × 5 जो कि एक पंक्ति आवयव के
एक स्तंभ देखो क्या है, अस्तंभ में कॉलम है, यानी कि कॉलम जो है एक कॉलम रहेगा। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। ये स्तंभ हो गया, कॉलम हो गया, देखो यहाँ पे टू, ये फाइव है, माइनस टू है, थ्री है और सेवन है, तो फोर इंटू वन का हो गया, क्योंकि फोर पंक्तियां इसमें आ गई और एक ही कॉलम है, तो एक स्तंभ आव्यूह हुआ ये। चलो आगे देखते हैं जरा बच्चों, बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें दिया हुआ है शून्य आव्यूह, क्या है ये शून्य यानी जीरो या नल मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट इसके जीरो होते हैं। वह आव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो शून्य आव्यूह कहलाता है। एम इंटू एन क्रम में शून्य आव्यूह को ओ एम इंटू एन लिखते हैं, जीरो कह लो इसको ओ कहते हैं, से निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए दिया हुआ है देखो, थ्री इंटू थ्री की मैट्रिक्स दी हुई है, तो यहाँ जीरो 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 सब में जीरो कर दिया गया है, इस तरह से ये भी जीरो जीरो कर दिया गया, तो ये क्या हुआ, एक शून्य आव्यूह हो गया है। चलिए नंबर चार पे चलते हैं, वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है वर्ग आव्यूह कहलाती है। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा आपको, इसमें एक दो तीन ही है, तो इधर से भी एक दो तीन है, तो थ्री इंटू थ्री की है, देखो मैट्रिक्स बन गई। ए एच जी है, एच बी एफ है, जी एफ सी है, ये वैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रतिबंध होता है, बराबर जीरो करके लिखते हैं, अगर आ जाता है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ये निरूपित करता है, ऐसा कुछ दिया रहता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है। चलिए जब वहां नंबर आएगा तब देखेंगे। तो ये क्या हुआ, एक वर्ग आव्यूह हो गया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर, तो ये नंबर फाइव आ गया। मुख्य विकर्ण क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, ए एच जी और यहाँ एच बी एफ एच जी एफ सी दिया हुआ, तो ये जो आपको घेरा हुआ दिखाई दे रहा है ये पोर्शन है, ये वाला जो डायगोनल दिखाई दे रहा है इसको ही मुख्य विकर्ण कहते हैं, यानी ये विकर्ण पे दिखाई दे रहा है, यही हमारे पास मुख्य है, ये जो दिखाई दे रहे हैं पूरा, ये पूरा पोर्शन मुख्य विकर्ण को जाना जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, कहीं पे मुख्य विकर्ण अगर आता है तो इसकी चर्चा भी ज्यादा होती है, क्योंकि इसी से हम ज्यादा बात करते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या है, नंबर सिक्स पे आ जाइए। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, तो वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। देखो बच्चों, इसमें जैसे फाइव और थ्री, अगर थ्री और फाइव दिखाई दे रहा है बाकी सब जीरो है, यहाँ थ्री फोर फाइव डायगोनल पे दिखाई दे रहा है बाकी सब जीरो है, देखो तो ये क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। इन्हें हम क्या कहते हैं, लिखते कैसे हैं, डायग डी आई ए जी थ्री फाइव लिखते हैं, ये डायगोनल है थ्री फोर फाइव, यानी इसको डायगोनल करके लिख देते हैं, जिससे एक ही बार में लिखा जा सके, के रूप में लिखते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहता है, जैसे पहले वाले का है, मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, डी आई ए जी लिखोगे और इसको बॉक्स में लिख दोगे थ्री फाइव, बीच में कॉमा नहीं लगाओगे। दूसरे वाले को जो लिखा गया है डी आई ए जी, ये क्या लिखा गया, ये थ्री फोर फाइव को लिख दिया है, थ्री फोर फाइव ऐसे लिख देते हैं, इसको आसानी से समझ में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपका अदिश आ रहा है, अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। वह विकर्ण आव्यूह जिसके सभी मुख्य विकर्ण अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो अदिश आव्यूह कहलाता है। तो जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये डायगोनल पे आपको सारी जगह पांच ही पांच दिख रहा है, फाइव 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 हर जगह दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ, अदिश आव्यूह हुआ। तो ये बाकी सब जीरो होने चाहिए, बाकी सभी डायगोनल पे केवल एक संख्या होनी चाहिए और वो भी इक्वल होनी चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक अदिश आव्यूह कहते हैं, तो ये भी याद रखना है बच्चों। चलो देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं, यानी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। वह अदिश आव्यूह जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण अवयव वन है, यानी इकाई आव्यूह कहलाता है, क्रम इसका एन इंटू एन के इकाई आव्यूहों को आई एन के रूप में निरूपित करते हैं, मतलब ध्यान रखना ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है, जैसे आई वन का लिखा तो इसमें एक ही एलिमेंट हो जाएगा, एक ही एलिमेंट वन ले दिया गया क्योंकि जीरो और कहीं बन ही नहीं पाएगा। आई टू का जब नंबर आता है तो आई टू में डायगोनल में बनाएंगे पहले, तो ये वन एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ वन लिख दिया, बाकी सब जीरो कर दिए, तो ये बन जाएगा। ऐसे आई थ्री में डायगोनल पे देखो थ्री इंटू थ्री है, ये थ्री इंटू थ्री की बनाई है मैट्रिक्स, तो ये डायगोनल पे वन वन लिख दी गए, बाकी सभी जीरो, सभी जगह जीरो लिख दिए हैं। आई फोर की बात कर लेते हैं, तो आई फोर में भी क्या है, ये फोर इंटू फोर की मैट्रिक्स है, डायगोनल पे देखो वन वन लिख दिया गया, ये वन वन, ये भी वन है, बाकी सभी जगह पे जीरो कर दिया गया है।
अब अगला नंबर आता है क्षैतिज आव्यूह यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। देखो इसमें ये जो है टू टू इंटू किसका है, ये टू इंटू थ्री का आव्यूह बनता है। ये देखो टू दो तो इसमें पंक्तियां हो गई और कॉलम कितने हो गए, कॉलम इसमें वन टू थ्री फोर हो गए, फोर होना चाहिए बच्चों यहाँ पे। हाँ इसमें क्या हो गया, टू तो इसमें हो गई रोज यानी के टू रोज हो गया, कॉलम कितने इसमें फोर हो गए, तो टू इंटू फोर की मैट्रिक्स हुई है बच्चों। तो इसमें क्या हो गया रो इसमें ज्यादा, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा दिख रही, देखो यहाँ यहाँ वन टू थ्री फोर है इसमें अभी, अब देखो तो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए इसको हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं या क्षैतिज लाइन में संख्या ज्यादा क्षैतिज बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये है ऊर्ध्वाधर आव्यूह या वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। तो चलो देखते हैं इसमें ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या लगता है। ये देखो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें ज्यादा दिखाई दे रही है पंक्ति में, देखो वन टू थ्री फोर है यहाँ पे और यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर ही रहेगा, तब ये तो क्या हो जाएगा, ये फोर इंटू टू हो गया, देख लो इसका तो ये ज्यादा है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये अब आता है 11 नंबर पे त्रिभुजीय आव्यूह यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे अथवा ऊपर सभी अवयव शून्य हो तो उस आव्यूह को त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, यानी नीचे की तरफ त्रिभुज बन जाए या ऊपर की तरफ त्रिभुज बन जाए। अगर ऊपर बनता है तो हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं और नीचे बनता है तो लोअर वाला बोलते हैं। तो चलो देखते हैं क्या, पहले ऊपरी देखते हैं क्या है। यदि वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के नीचे की ओर के सभी अवयव शून्य हो तो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। वर्ग अवयव ए आई जे ऊपरी त्रिभुजीय अवयव होगा यदि आई इज ग्रेटर देन जे के लिए आई जे इक्वल टू जीरो हो। तो देखते हैं बच्चों ये क्या है, ये यहाँ पे देखो दिखाया है, तो ये आपका देखो ट्रायंगल बनता नीचे की तरफ, देखो ध्यान से ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल देखो बच्चों, ये ट्रायंगल सा बनता हुआ जा रहा है, इसके सारे एलिमेंट्स आपको जीरो दिख रहे हैं, देखो ऐसा त्रिभुज बनता हुआ दिखता है ये, तो ये वाले जीरो है तो, लेकिन ये क्या है नीचे की तरफ है इसलिए हम उसको ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, ऊपर के बचे हुए रहते हैं नीचे के जीरो हो जाते हैं, और ये नीचे वाला है देखो निचला त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर की ओर के सभी अवयव शून्य हो तो उसे निचला त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह ए आई जे एक निचला त्रिभुजीय आव्यूह है, इसके लिए क्या होगा, यदि सभी आई इज लेस देन जे के लिए हो आई जे के जीरो हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिखा रखा देखो ये जो ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला है वो ट्रायंगल आपका, ये त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, ये त्रिभुज बन गया है यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये वाला अगर त्रिभुज आपका जीरो है मतलब यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए तब जा करके ये क्या कहलाएगा, एक निचला त्रिभुज आपको। तो चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और बच्चा रह गया नंबर 12 पे एकल अवयव आव्यूह यानी सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। तो उस आव्यूह को जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल अवयव आव्यूह कहलाता है। आव्यूह भी एक एकल अवयव, मतलब ऐसे लिख करके कुछ भी आप लिख दीजिए, ए लिख दीजिए चाहे, तो ये आपकी मैट्रिक्स जो है वो एकल अवयव, मतलब एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। अब हम थोड़ा सा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे, क्या कहना चाह रहा है ये, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होती कैसे है और कैसे हम इसको जोड़ते हैं या घटाते हैं इसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखना कि ये 2x3 की मैट्रिक्स है और यहाँ पर भी 2x3 की मैट्रिक्स है, जब तक ये चीजें मैच नहीं आएंगी तब तक ये मैट्रिक्स एड नहीं हो सकती। जोड़ने के लिए जरूरी है कि ये दोनों के मैट्रिक्स के ऑर्डर समान हो। तो चलिए हम a प्लस बी की तरफ बढ़ते हैं, a प्लस बी, तो चलते हैं ये जैसे दो है यहाँ पे देखो टू लिखा हुआ और यहाँ पर वन है, इन दोनों को यहीं पे प्लस करेंगे, दो प्लस एक हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस का चार है तो माइनस चार ये आ गया और यहाँ पे कितना है तीन है, ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस तीन। ऐसे यहाँ पे कितना है चार है तो इस चार को यहाँ लिख देंगे और ये माइनस का सात है तो ये माइनस का सात यहाँ आ जाएगा।
ऐसे यहाँ देखिए दो है तो यहाँ पे दो लिख दिया, यहाँ पे कितना है चार है तो इस चार को यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ पे ये पांच है यहाँ पांच लिख दीजिए, और इसके बाद ये जीरो यहाँ पर है प्लस का जीरो हो गया, यहाँ पे दो है तो ये दो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है तीन है ये प्लस तीन हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना जो जहां पर है वो वहीं पर जुड़ेगा, इसके अलावा नहीं, लिखा भी यहीं जाएगा जहां पर वो है। तो देखिए दो और एक कितना हो गया तीन हो गया, और ये दो और चार कितना हो गया छह हो गया, यहाँ से माइनस का चार है प्लस का तीन है तो ये माइनस का एक आ गया, फाइव और जीरो तो फाइव ही रह जाएगा, यहाँ चार और ये माइनस का तीन, फोर माइनस सेवन है तो माइनस का थ्री बन जाएगा, यहाँ टू प्लस थ्री है तो कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा, और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल होता है जोड़ना घटाना। चलिए वैसे भी इसको हम एक मैट्रिक्स के ऊपर दूसरे मैट्रिक्स पर रख करके बिल्कुल आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्या है, अगला ये और दिया हुआ है, यदि ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तथा बी का मान भी दे रखा है टू ए बी है टू बी सी है माइनस टू ए सी माइनस का टू ए बी, तो ए प्लस बी का मान याद करो। चलिए बच्चों ए प्लस बी को हम निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स को बना दिया है मैंने, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चों ये टू इंटू टू की मैट्रिक्स है और ये भी टू इंटू टू की मैट्रिक्स है, तभी जोड़ संभव है अदरवाइज नहीं होगा, कुछ भी चेंज हो गया तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट है जहां पर है वो वहीं पर जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पर टू ए बी है तो ये इसके साथ प्लस का टू ए बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो यहाँ लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ माइनस का देखो टू ए सी है तो नीचे पर माइनस का टू ए सी आ गया, यहाँ देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर प्लस का टू बी सी है तो टू बी सी भी लिख दीजिए, ऐसे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दीजिए, और माइनस का कितना है टू ए बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखो तो किसी का सूत्र लिखा हुआ ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको लिख दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस सी का होल स्क्वायर है तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ देखिए बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसको बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दीजिए, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका हो गया और यही आपका आंसर हो गया। तो आसान है बच्चों करना, कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते ये कि आप लोगों को ध्यान से करना है इसको। अब ये अगला प्रश्न एक और दिखाई दे रहा है, यदि ए बराबर कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तो बी बराबर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों ए प्लस बी का मान निकाल के देखते हैं, यहाँ देखो क्या रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स है तो प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऐसे यहाँ देखो क्या साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स है तो ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ है तो इसको यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स है प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसको जोड़ना है बच्चों, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक होता है, ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी वन होता है, इधर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी वन होता है, और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये भी वन हो जाता है, और इसको मैट्रिक्स के रूप में आपको लिखना है और यहीं पर आपको आंसर कर देना है। यहाँ लिख देना अगर जरूरत पड़ती है आपको तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है, इसकी वजह से ये आया हुआ है। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को, थोड़ा देखते हैं आगे की तरफ क्या बढ़ता है क्वेश्चन एक और। अब ये है आज फिलहाल यही जोड़ना घटाना सीख रहे हैं, ए का मान दे रखा है हमें टू बाई थ्री फिर वन है फाइव बाई थ्री है वन बाई थ्री है टू बाई थ्री फोर बाई थ्री सेवन बाई थ्री टू है और टू बाई थ्री है, यहाँ पे टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव वन है वन बाई फाइव टू बाई फाइव फोर
बाई फाइव और सेवन बाई फाइव, सिक्स बाई फाइव, टू बाई फाइव। तो हमें मान जो निकालना है वो थ्री ए माइनस फाइव बी का निकालना है। चलिए देखते हैं बच्चों, थ्री ए माइनस फाइव बी इसका मान निकालना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, थ्री से तो मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्या ये टू बाई थ्री है और इधर वन है और इधर है फाइव बाई थ्री, इधर कितना है वन बाई थ्री है, इधर टू बाई थ्री है और इधर फोर बाई थ्री है, यहाँ कितना है सेवन बाई थ्री है, फिर टू है और फिर ये टू बाई थ्री है, माइनस हो गया यहाँ फाइव हो गया और बी ये और आ जाएगा, कितना है टू बाई फाइव, फिर थ्री बाई फाइव है और यहाँ वन है, यहाँ कितना जाएगा वन बाई फाइव है, टू बाई फाइव है और फोर बाई फाइव है, यहाँ सेवन बाई फाइव है, सिक्स बाई फाइव है और टू बाई फाइव है। चलिए ये पूरा हो गया है। देखो अब क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना कि इसकी सबके साथ गुणा करनी है, तो नीचे जो बटे में है सब कट जाएगा और ऊपर गुणा होकर के आ जाएगी जहां केवल सिंगल लाइन है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पर तो टू आ जाएगा, यहाँ थ्री आ जाएगा और यहाँ पे फाइव हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ से वन आ जाएगा, यहाँ से टू आ जाएगा और यहाँ से कितना फोर आ जाएगा, इस जगह से सेवन आ जाएगा और इस जगह से थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ टू ही रहेगा, ये आ गया आपका। और माइनस फाइव की देखो नीचे से फाइव सारे हट जाएंगे, इस पर वन की जगह फाइव और आ जाएगा बस, तो ये आ गया टू आ गया, थ्री आ गया और यहाँ कितना आ गया फाइव आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, फोर आ जाएगा ये वाला, फिर यहाँ से सेवन आ जाएगा, फिर यहाँ से सिक्स आ जाएगा और यहाँ से टू आ जाएगा। देखो इतना आ गया है बच्चों, अब इसको माइनस करके दिखाते हैं। देखो कैसे माइनस होता है, ये टू है आपका दिखाई दे रहा है, इसकी जगह टू लिख दिया, फिर माइनस का यहाँ से टू आ जाएगा, फिर यहाँ थ्री है तो थ्री यहाँ लिख दीजिए और यही थ्री यहाँ पे देखना है तो माइनस का थ्री हो गया, यहाँ फाइव है तो यहाँ फाइव लिख दीजिए और ये माइनस का फाइव और आ गया यहाँ पे, यहाँ पर वन है देखो यहाँ वन हो गया, इसी की जगह पे यहाँ पे एक और वन है तो माइनस का वन आ गया, यहाँ टू है तो बीच वाले में टू यहाँ भी है तो टू माइनस टू हो गया, फोर है यहाँ पर भी फोर है तो ये भी फोर माइनस फोर हो गया, यहाँ सेवन है आपका तो यहाँ पर भी सेवन है तो माइनस का सेवन हो गया, ये सिक्स है यहाँ भी सिक्स है तो सिक्स माइनस सिक्स हो गया और टू आ गया तो यहाँ पे टू माइनस टू हो गया। कुल मिलाकर के एलिमेंट्स बचे क्या क्या बच्चों, यहाँ पे जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, सारे इसके अंदर जीरो आ गए एलिमेंट और यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इजी है क्वेश्चन, बस ये है कि आपको गुणा करनी थोड़ी आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जरा ये हो गया, ये दिया हुआ है आपको, इसको सॉल्व करना है तो पहले तो कॉस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसकी साइन एक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चों देखो कॉस थीटा लिखा हुआ है तो कॉस थीटा लिख दीजिए और इनके साथ क्या क्या है, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, इधर माइनस का साइन थीटा है और इधर कॉस थीटा है, प्लस का क्या है यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, ये माइनस का कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, कॉस के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई, चलो करके दिखाता हूँ, कॉस की कॉस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसके इसके साथ तो कॉस थीटा और साइन थीटा हो गया, इसके इसके साथ माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा कर दीजिए, इधर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन की साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन की कॉस से करेंगे तो साइन थीटा रहेगा और साथ में कॉस थीटा आ जाएगा, फिर साइन की करेंगे तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और इस साइन के साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको जोड़ना रह गया,
चलिए देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है। इसके बाद यहाँ क्या है, माइनस का कॉस थीटा, ये देखो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा है तो प्लस का यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ देखिए क्या कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, जीरो हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो यहाँ पे तो वन आ जाएगा फिर जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर जीरो हो जाएगा और ये वन आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यदि a बराबर है 1 2 2 3 3 1 है दिया हुआ, और यहाँ b बराबर दे रखा 3 माइनस 1 माइनस 1 0 3 और 2, तो 2a माइनस b निकालना है। तो चलिए देखते हैं 2a माइनस b कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले 2 और a को लिखेंगे, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 3 है, और 3 और 1 आ गया, ये माइनस साइन यहाँ लगा देंगे, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर b को लिख देंगे, तो 3 और माइनस 1 है देखो, और माइनस 1 है 0 है, और यहाँ 3 है और 2 हो गया, ये ऐसे हम लिख लेते हैं। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई हर एक के साथ करनी है, तो 2 अंदर 2 हो जाएगा, 2 टू जा 4 हो गया, और फिर 2 दूनी 4 हो गया, 2 तीन 6 हो गया, फिर 2 तीन 6 हो गया, फिर 2 एक 2 हो गया, सबकी मल्टीप्लाई होगी माइनस, इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ 3 है माइनस का 1 है, फिर माइनस का 1 है 0 है, फिर 3 है और 2 है, बस इसके आगे अब ध्यान से देखना, जो जहाँ पर है वो वहीं पे घट जाएगा, तो जैसे 2 है यहाँ पे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, इसके बाद 4 है यहाँ पे 4, और ये माइनस का 1 है और माइनस हो जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, फिर यहाँ 4 है और यहाँ कितना है माइनस 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, फिर 6 है नीचे तो यहाँ क्या है 0 है तो माइनस का 0 आ जाएगा, फिर ऊपर क्या है 6 है और यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो ये है माइनस का 2 और आ जाएगा ये वाला। चलिए इसको हल करते हैं, कितना आएगा 2 माइनस 3 माइनस का 1 आ गया, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, और ये इसको बंद कर दीजिए बॉक्स में, 4 और 1 5 हो गया, यहाँ पे 6 माइनस 0 तो 6 ही रहेगा, और यहाँ 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसी के साथ आंसर भी आ जाएगा। तो सिंपल है प्रश्न, करने आसान है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जरा ये कुछ बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें ए का मान दे दिया है इन्होंने, बी का मान दे दिया है और सी का मान भी दे दिया, हमें क्या निकालना है ए प्लस बी मैंने पीछे बता दिया निकालना, बी माइनस सी भी आपको बता दिया, तो ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए देखते हैं बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इसमें यानी क्या निकालना चाह रहे हैं, ए प्लस बी और माइनस का सी निकालना चाह रहे हैं, तो चलिए देखिए ये आपका ब्रैकेट लगा दिया मैंने, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं, पहले ए को लिख लेते हैं, वैसे कितना है ये 1 है 5 है और 1 है, फिर देखो कितना है 2 है 0 है और माइनस का 1 है ये वाला, फिर माइनस 3 2 और 1, तो माइनस 3 2 और 1 प्लस बी माइनस सी निकालना है बच्चों, तो बी माइनस सी यहां निकाल देते हैं, देखो B में 3 है यहाँ पे, माइनस का C यानी माइनस का 4 हो जाएगा, ये ऐसे यहाँ 4 है और यहाँ 0 है तो माइनस का 0 हो जाएगा, यहाँ 2 है माइनस का करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऊपर माइनस 1 है और यहाँ पे माइनस 1 है तो इसमें से माइनस 1 एक और आ जाएगा, इसके बाद अब यहाँ पर 2 आ गया है तो यहाँ 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस करेंगे 3 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3 ये वाला हो गया, फिर ये 0 है यहाँ पे 0 आ गया है, और ये माइनस का 2 करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये ऐसे ही 2 देखिए यहाँ पे ये 2 है आपका
और 2 माइनस 2 और आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे 5 है और यहाँ 2 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है और माइनस का 3 और हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इतना आ जाएगा। चलिए इनको अब सॉल्व करके देख लेते हैं क्या क्या बच गया है। तो देखो बच्चों, ये इसमें जो बचा है वास्तव में यहाँ 1 1, ये तो ऐसे लिखेंगे 1 5 और 1 आ गया, फिर यहाँ 2 आ गया, 0 आ गया और माइनस का 1 आ गया, ये वाला लिखा कि ये 3 माइनस का 3 2 1, माइनस का 3 2 और 1 आ गया। और यहाँ जो प्लस कर रहे हैं प्लस का सही करके लिख लेते हैं एक बार जरा क्या बच रहा है। हम तो देखो यहाँ पे ये माइनस करके जो भी आ रहा है, ये 3 माइनस 4 माइनस का 1 आ जाएगा और 4 माइनस 0 4 ही रहेगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 तो 1 रह जाएगा, यहाँ -1 माइनस का है तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 3 है तो माइनस का 1 आ गया, और यहाँ पे 2 प्लस 0 है तो 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा ये, और 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा और 3 माइनस 3 तो 0 आ जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, अब इसको केवल प्लस करना रह गया। तो चलो प्लस करके हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखो 1 है तो इसको 1 लिख दिया और यहाँ पे -1 है तो ये -1 आ गया, सॉरी +1 लिखा के -1 रहेगा, 1 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखो 5 है यहाँ पे, तो ये 5 हो गया और 5 की जगह पे यहाँ 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो ये 1 लिख दिया गया, और इधर भी प्लस का 1 है तो यहाँ प्लस का 1 कर दीजिए। इधर देखिए दूसरे में क्या है, यहाँ पे 2 है यानी कि ये 2 आ गया, 2 के बाद यहाँ देखिए माइनस का 2 है तो -2 और आ जाएगा, यहाँ बीच में 0 है तो ये 0 हो गया, और यहाँ बीच में माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख दिया, नीचे की तरफ -1 है तो -1 आ गया, और ये 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए लास्ट में क्या बचा, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया, और यहाँ प्लस का 0 आ जाएगा तो ये 0 आ गया, यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर प्लस का यहाँ 3 है तो प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो इसको 1 लिखिए और ये प्लस का 0 है तो प्लस का 0 कर दीजिए। देखिए वास्तव में क्या आ गया है, ये आ गया 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 4 है तो 9 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, यहाँ 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, यहाँ 0 माइनस 1 माइनस का 1 आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस का 1 है प्लस का 2 है तो 1 बच जाएगा, माइनस का 3 या 0 तो माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 और प्लस 3 5 हो गया, यहाँ पे 1 और 0 1 आ गया। तो बच्चों एक आंसर तो ये आया ही है, मतलब हमने पहले ए प्लस बी और माइनस सी निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी माइनस सी निकालना है, तो ए प्लस बी और फिर माइनस का सी निकालेंगे। तो चलिए देखिए पहले ए और बी को प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले प्लस कर लेते हैं बच्चों, देखो क्या होता है, एक लिख लेते हैं पहले, यहाँ 1 है तो इसमें बी का 3 इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 है प्लस का यहाँ पे 4 है देखो तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है और इसी जगह पे 2 है तो प्लस का 2 आ जाएगा, और आगे देखते हैं यहाँ पे 2 है और इसके आगे यहाँ माइनस का 1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 0 है बीच वाला 0 आ गया तो यहाँ पे 2 है तो प्लस का 2 आ जाएगा, इसके बाद -1 है नीचे वाला तो नीचे वाला -1 हो गया तो यहाँ पर 0 है तो प्लस का 0 हो जाएगा, ऐसे माइनस का 3 है यहाँ पे तो माइनस का 3 हो गया और प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ देखो 2 है यहाँ पे तो 2 रहेगा और यहाँ पर माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो गया, इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ 1 बचा हुआ है तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा, और माइनस में किसको लिखना है, सी को लिखना है तो सी पूरा लिख लेते हैं, ये है 4 0 1 तो 4
जीरो वन, फिर है वन थ्री माइनस टू, और फिर कितना है टू है, फिर टू है और ये थ्री है। अब इन दोनों को माइनस करके देखना है, देखो क्या हो जाएगा। पहले इसको सही कर लीजिए, तीन और एक चार हो गया, चलिए और ये पांच और चार नौ हो गया, और दो और एक तीन हो गया, दो और माइनस एक यानी एक बचेगा। इसके बाद जीरो और दो दो आ गया, फिर यहाँ माइनस का एक आ गया, फिर यहाँ माइनस का एक आ जाएगा, तीन माइनस का है प्लस का दो, तो माइनस का एक आ गया। फिर यहाँ दो और पाँच सात हो गया है, यहाँ से तीन और एक चार हो गया। माइनस सी वाले को वैसे लिख देते हैं बच्चों, फिर से देखिए कितना है, ये फोर है, फोर हो गया, जीरो हो गया और वन हो गया, और यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे थ्री हो गया, माइनस का टू हो गया, फिर टू है और फिर टू एक और है और ये थ्री है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये मैट्रिक्स में ही लिखना है आपको। चलिए अब इसको माइनस करके देख लेते हैं, तो यहाँ फोर माइनस फोर हो जाएगा, ये फोर है ये फोर माइनस का, फिर नाइन माइनस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ नाइन माइनस जीरो कर देंगे, यहाँ थ्री माइनस वन हो जाएगा। बीच में देखते हैं, तो ये है वन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे ये वन माइनस वन हो गया, फिर टू माइनस थ्री हो जाएगा, और इसके बाद माइनस वन है और माइनस का टू है, तो प्लस का टू हो जाएगा, माइनस वन प्लस का टू हो गया। अब यहाँ कितना बचा हुआ है, यहाँ माइनस का वन है ऊपर, तो माइनस का वन है और माइनस का टू और हो जाएगा। ऐसे नीचे क्या है, माइनस ये सेवन है प्लस का, और यहाँ माइनस का टू हो जाएगा। यहाँ कितना है, फोर बचा हुआ है, तो यहाँ फोर हो गया माइनस का, ये वाला थ्री है तो माइनस का थ्री हो गया। चलिए देखते हैं बचता क्या क्या है, वो देख लेते हैं जरा। यहाँ फोर माइनस फोर तो जीरो हो गया, यहाँ नाइन माइनस जीरो तो नाइन ही रहेगा, ये थ्री माइनस वन करेंगे तो टू आ गया, यहाँ पे वन माइनस वन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ टू माइनस थ्री करेंगे तो माइनस का वन आ गया, और यहाँ माइनस का वन है प्लस का टू है तो वन बच जाएगा, और यहाँ माइनस का वन है और माइनस का टू है तो माइनस का थ्री हो जाएगा। यहाँ सेवन माइनस टू कितना बच जाएगा, फाइव बच जाएगा, और यहाँ फोर माइनस थ्री कितना बच जाएगा, वन बच जाएगा। तो बच्चों इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम हो गए हैं। कैसे, जीरो 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 माइनस थ्री है तो यहाँ जीरो जीरो माइनस थ्री है, देखो नाइन माइनस वन फाइव है तो नाइन माइनस वन फाइव है, टू वन वन है तो टू वन वन है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सही हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी माइनस सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी है और माइनस का सी हो गया, और यही आपका सी हुआ। तो ऐसे आप लोग कर लेंगे बच्चों, इजीली क्वेश्चन है, थोड़े से ध्यान रखने की जरूरत है, ध्यान रख करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे दिखा रखे हैं मैंने मैट्रिक्स के लिए, समय ज़्यादा हो रहा है बच्चों, एक क्वेश्चन और करवा के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें ए प्लस बी निकाला गया है, फिर ए माइनस बी है और थ्री ए माइनस सी है, तो पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी देखो निकाल लेते हैं, ए प्लस बी तो ए में कितना है, दो है तीन है, यहाँ कितना है चार है और यहाँ दो है, ए लिख लिया और प्लस का बी लिख दीजिए। यहाँ पर बी कितना है, वन है, माइनस का टू है और थ्री है और ये फाइव है। इन दोनों को ऐड करना है बच्चों, तो चलो ऐड करके देखते हैं। यहाँ टू आ रहा है और यहाँ वन है तो टू प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे थ्री है और ये माइनस का टू है तो थ्री माइनस टू हो जाएगा, यहाँ फोर है और थ्री है तो फोर प्लस थ्री हो जाएगा, और यहाँ टू है और फाइव है तो टू प्लस फाइव हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, टू और वन थ्री हो गया, और थ्री माइनस टू वन आ गया, फोर प्लस थ्री सेवन हो गया, और टू प्लस फाइव भी सेवन हो गया, और यहीं पे ये आंसर भी हो जाएगा। अब हमें ए माइनस बी निकालना है, तो बच्चों देख लेते हैं ए माइनस बी भी निकाल करके। तो लिखना तो वैसे ही है, दो है, तीन है, चार है, दो है
और माइनस का बी भी यहाँ लिख दीजिए, 1 है, माइनस 2 है, 3 है और 5 है। देखिए कितना हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे 2 है, फिर ये माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 है और माइनस का यहाँ से 2 करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ 4 है, 4 है तो माइनस का 3 कर देंगे यहाँ से, फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस 5 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, देखो क्या आएगा, यहाँ 2 माइनस 1 तो 1 बच गया, यहाँ 3 प्लस 2 5 हो गया, यहाँ 4 माइनस 1 कितना हो गया, 4 माइनस 3 1 आ गया, और ये 2 माइनस का 5 है तो माइनस का 3 आ गया, और ये a माइनस b भी निकल गया, आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 3a माइनस c निकालने के लिए, तो देख लेते हैं, 3 लिख लीजिए और a लिख दीजिए, ये कितना है, 2 3 है, 4 और 2 है, और फिर माइनस का c है तो c को लिख दीजिए, ये है माइनस 2 है, 3 है और 5 है और ये लिख दिया हमने पूरा। अब 3 के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक के साथ, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9, 3 4 12 और 3 दूनी 6 हो गया, माइनस ये ऐसे रहेगा, माइनस का 2 3 5 और 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, 6 है, माइनस का ये है, ये भी माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर नीचे कितना है, 9 है और यह माइनस का 3 आ जाएगा, ऊपर कितना है, 12 है, 12 और ये माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ 6 है और माइनस का यहाँ 4 है तो माइनस का 4 कर दीजिए, देखिए कितना आ गया, 6 और 2 8 हो गया और 9 में से 3 गए 6 आ गया और 12 में से 5 गए तो 7 आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत टाइम हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा आपको, तब तक नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैंने अभी डाला उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, इसी के साथ मैं आरएस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में नए पार्ट के साथ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।